हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तलकराज सिंह 10+12 पर। देखें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। कौन सा व्रत? कक्षा 10 का है बेटा ये, कक्षा 10 का। और एक्सरसाइज है कौन सी वाली? 10.2। चलें देखते हैं बेटा, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिए ताकि कि आपको किताब देखने की जरूरत ना पड़े, इसी से काम हो जाए। वैसे एनसीईआरटी बुक्स का चल रहा है। देखते हैं बेटा, व्रत का हमने तुम्हें बताया, ये जो क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा इन्हीं से संबंधित आता है। देखो, गणित में क्वेश्चन जरूरी ना है कि जैसे का तैसा छप जाए, लेकिन आधार वही रहेगा, यानी कि वैसा लगना आएगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेमी है, तथा क्यू की केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेमी। वृत्त की क्या ज्ञात करो? त्रिज्या। बेटा मैं चित्र बना देता हूं इसकी। ये एक क्या है बेटा? एक वृत्त बना लो, ये वाला, ये वृत्त बना लिया। इसका एक किरण केंद्र है, कहां से? एक बिंदु, कहीं बिंदु ले लिया मैंने, क्यू ले लिया, ये वाला क्यू ले लो, ठीक है। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा सपोज करो यहां, मां ये डालो, ये इसकी क्या है बेटा? स्पर्श रेखा, ठीक है ना। यहां क्या? एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 सेमी। ये कितने दे दी बेटा? 24 सेमी, ठीक है ना। फिर कह रहा है क्यू की केंद्र से दूरी, क्यू से ये वाला क्यू है, ये इसको केंद्र मान लो ओ। इसकी जो बिंदु ओ की, यानी कि क्यू की ओ से केंद्र से दूरी कितनी है बेटा? 25 सेमी, 25 सेमी, ठीक है। ये 25 सेमी हो गई। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, ये कर लो बेटा। ये हमें ये वाली चीज ज्ञात करनी है, यानी कि ओपी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? ओपी। बस खेल खत्म। यहीं पे हमने तुम्हें बताया ये बेटा हमेशा 90 अंश का बनेगा। 90 अंश का बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये वाली सबसे बड़ी भुजा, ये समकोण बने वाली भुजा हो गई। कौन सा लगा दोगे? पाइथागोरस। फिर में तो यहां सॉल्यूशन करोगे तो कैसे लिखोगे बेटा? यहां पर लिखोगे क्या दिया है? दिया है, क्या दे रखा है? बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर कितनी? 24 सेमी। समझ गए? चलो ये ऐसे लिखना है, तथा बिंदु क्यू की केंद्र से दूरी बराबर कितनी है बेटा? 24 सेमी। यहां कितने दे रखे बेटा? 25 सेमी। कितनी है? 25 सेमी। तब लिखेंगे चूंकि, क्या लिखोगे बेटा? जो ओपी है वो लंब है किस पर? पी क्यू पर। किस पर? पी क्यू या क्यू पी? क्यू पी, ठीक है। ये वाला लंब है इस पर, अरे इस पर से रेखा पर क्या हो गया? लंब। इसलिए त्रिभुज कौन से में? त्रिभुज ओ पी क्यू में किससे बेटा? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाओगे बेटा? हमने तुम्हें बताया 90 के सामने का ये एक तरफ, बाकी के सब एक तरफ, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन से? एक ओपी है और ये है, तो यहां लिख दो ओपी का स्क्वायर प्लस किसका? पीक्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर। ओपी का स्क्वायर, ओपी तो हमें निकालनी है, तो ऐसे ही यहां कितने वैल्यू दे रखी है? 24 का स्क्वायर, और ये कितनी है बेटा? 25 का स्क्वायर, ठीक है। मैं इधर कर रहा हूं बेटा, ओपी का स्क्वायर प्लस ये 24 का स्क्वायर कितना? 24 × 24 576 होता है, ठीक है, बराबर 25 का होता है 625। कितना होगा? 625। ओपी का स्क्वायर एक तरफ रखो, बाकी की 625 उधर थे, ये -576 उधर गए, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 49। 625 में से ये घटाओगे कितने बचे? 49। या वर्ग हटा दो इधर से और इधर वर्गमूल लगा दो, ठीक है। ओपी अब 49 का कितना आ जाएगा? 7 सेमी, यानी कि अतः लिख सकते हो, अतः वृत्त की त्रिज्या इक्वल कितनी आ गई बेटा?
7 सेमी आ गई। कितने आ गई? 7 सेमी। बेटा ये 3 चीजों में संबंध होता है। कितने में? क्या? केंद्र से उस बिंदु की दूरी जहां से स्पर्श रेखा खींची है, स्पर्श रेखा की लंबाई और त्रिज्या, 3 में से 2 देगा, तीसरी क्या करनी है? निकालनी है। आगे आ जाओ बेटा, यहां क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, संलग्न आकृति में यदि टीपी और टीक्यू वृत्त ओ, केंद्र ओ वाले एक वृत्त की क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं हैं। बेटा एक तो स्पर्श रेखा ये खींची है और एक रेखा ये खींची है। तुम समझ चुके हो बेटा, जब ये स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श बिंदु हो गया और ये स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या ना हो गई, ये निश्चित है। आप लोग ये समझ गए, ये कितना होगा? 90 अंश होगा। ठीक इसी प्रकार से बेटा टीपी भी क्या है? एक स्पर्श रेखा है। तो ये अब आप केंद्र से मिलाया आपने तो ये पीओ मिल गया, तो ये भी पता पड़ गया आपको, क्या मिल गया? ये आपका क्या हो गया? 90 अंश। बेटा ये आकृति कैसे बन रही है? ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के 2 कोण आपको मिल चुके हैं। अगर चौथा कोण निकलवाओगे तो 1 और 2 और हम निकाल देंगे। तो देखो वो क्या कह रहा है, संलग्न आकृति में यदि टीपी और टीक्यू, टीपी और टीक्यू केंद्रों वाले किसी वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, देखो बेटा जिस कोण की जिक्र चलती है उसको लेते हैं बीच में। जैसे हम इस कोण की जिक्र करेंगे इस वाले की, तो या तो मैं लिखूंगा टी क्यू ओ या इसको बोलूंगा बेटा ओ क्यू टी। इस वाले की जब भी जिक्र करोगे तो इसका नाम, भाई ये कोण का चिन्ह कैसा होता है? कोण का देखो, यदि आपने ये ऐसे लिख दिया, इस तरीके से बनाया, तो ये एबीसी, तो कोई भी बच्चा इसको क्या पढ़ेगा? ये है त्रिभुज एबीसी। लेकिन अगर इस तरीके से कोई बना दिया ए बी और सी, तो इसका मतलब पता है क्या? कोण बी की बात चल रही है, ये कोण का साइन है, कोण का ही तो चिन्ह है। तो उन्होंने दे रखा कोण पी ओ क्यू। पी देखो बेटा ये है और ओ ये है और क्यू ये है, इसका मतलब ये कोण दे दिया उन्हें 110। 110 सही समझे। फिर कौन सा पूछ रहा है? पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी कि ये वाला निकाल लगा रहा है, सही है ना? तुम समझ ही चुके होगे, बहुत बच्चे तो बेटे इसका आंसर दे भी चुके होंगे। देना बता कितना होगा जरा बताओ। देखो बेटा चतुर्भुज के 4 कोणों का योग कितना होता है? 360। ये 90, ये 90, ये और हो गया तो 90 90 180, और ये कितना हो गया? 110। तो 180 और 110 कितना होता है? अरे 290। और 290 का मतलब है फिर ये कितना बचेगा बेटा? 70 बचा। क्यों? क्योंकि सबका योग कितना होगा? 360। चलो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन कैसे लिखोगे बेटा? मैं थोड़ी सी जगह में करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो हम जानते हैं हम क्या, अरे जो ओ क्यू है, ओ क्यू जो ये लंब है किस पर बेटा? टी क्यू पर, टी क्यू, इसलिए चूंकि लिख दिया इसलिए कोण, इसका नाम दे दो बेटा इस वाले को, बता दो इस वाले को टी क्यू ओ बराबर 90 अंश। ठीक है, तथा इसी प्रकार यह तथा कह दो यहां के पीओ ये भी लंब है किस पर? टीपी पर, पीटी कर दो, चलो पीटी कर दो इस पर। ठीक है, इस पर ये लंब है, इसलिए हमें ये कोण और पता पड़ गया। कोण कौन सा वाला? ये वाला, इसका नाम दो चलो ओ पी और टी, ये भी कितना होगा? 90 अंश। तथा दिया है, तथा एक बात उन्होंने दिया है कौन सा? कोण, कौन सा? पी ओ क्यू बराबर कितना दे रखा है? बराबर उन्होंने दे रखा 110 अंश। ठीक है, तब लिखेंगे हम जानते हैं, या चूंकि लिख दो, चूंकि कोण कौन से वाले, इसका नाम दो ओ क्यू पी प्लस, इसका नाम दो, इसका जो पूछा है वो उसके हिसाब से, कोण कौन सा? कोण ये वाले का, ये इसको इधर से दे दो,
क्यू प्लस क्या इसका नाम दो, तो कोण ओ पी टी प्लस इस वाले का नाम दो। ये किसका कौन सा कहा उन्होंने, पी ओ क्यू कोण पी ओ क्यू बराबर हो गया 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। कितना होता है 360। अब बेटा कौन सा मालूम करा, यही तो मालूम कराया आपसे। चलो ये आपको पता है, ये कितना है बेटा, ये 90 अंश है। ये आपको निकालना है कोण पी टी क्यू, ये कितना दिया है बेटा, ये भी आपको पता है। कितना पता है इसका, अरे कौन सा, ये ओ पी ओ पी टी ओ पी टी, ये 90 है ना, ये भी 90, और ये 110 अंश बराबर 360 अंश। यही तो लगाओगे कुल मिला के कोण पी टी क्यू, ये सब जोड़ के 90 90 180, और ये कितना हो गया बेटा, ये 110, तो कितना हो गया, अरे 290 हो गया ना, हो गया बराबर 360। इधर देखो बेटा, इम्प्लाइट कर लो यहां पे, ये कोण ये वाला ऐसे ही पी टी क्यू बराबर, इसको उधर ले जाओगे तो 360 उधर था, माइनस कितना हो गया 290। क्या बचा बेटा, कोण पी टी क्यू बराबर, इसमें से ये जाएंगे तो बचा बेटा 70 अंश, और यही क्या है आंसर। लेकिन अगर ऑप्शन में लगाना हो तो सेकंडों में लगाइयो, किसमें सेकंडों में, कैसे लगाओगे, अरे बेटा 180 तो यही हो गया, अब दोनों का योग 180 तो हुआ, जब दोनों का योग 180 है और एक आपको पता है 110 है, तो दूसरा, अरे इस तरीके से लगाएंगे आंसर, सॉल्यूशन ना करके दिखाओगे अगर ये ऑप्शन में हो, कभी उसके चक्कर में पड़ जाओ। चलो खैर कोई बात ना बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB क्या है, स्पर्श रेखाएं कितने का कोण बना रही है, 80 के कोण पर झुकी हैं। तो देखो ये बेटा, ये इसका चित्र बना लो बेटा, ये सब चित्रों का ही खेल है। अगर आपने चित्र बना लिया तो हो सकता है कि आपसे निश्चित हो जाए, ये ओ कह दो। अब क्या क्या रहा है बेटा, वो कह रहा है पी ए और पी बी, इसका मतलब इसमें कॉमन बिंदु क्या है, पी। ये बेटा मान लो मैं यहां मान ले रहा पी, ठीक है, यहां से एक स्पर्श रेखा बेटा ये खींच दो, ये वाली खींच दी मैंने, ठीक है, ये खींचते हैं, चलो इधर खींच दो, कोई फर्क ना पड़े। चलो ये जब इसकी मर्जी यहां जाने की है तो यहां कर दो, इसको कह दो पी, इस स्पर्श बिंदु कह दो ए। इसी प्रकार एक और स्पर्श रेखा खींच दो, ये खींच दो बेटा इस तरीके से, ठीक, ये क्या हो गए बी, ठीक। ये कितने के कोण पर झुकी है, ये बेटा 100 कितने पे, अरे उन्होंने कहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा है कितने के कोण पर, 80 के कोण पर झुकी है, ये हो गया बेटा 80 कोण, ठीक है, पर झुकी है, तो POA। चलो खैर कोई बात ना, हमें पता है जो हमें आता है वो करेंगे, हमें क्या है, हमें ये पता है ये वाली अगर मैंने ऐसे खींच दी ये हो गया बेटा 90 अंश, ठीक, और ये वाली खींच दी मैंने यहां पर तो ये भी 90 अंश हो गया, ठीक। अब हमें पता है हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं, कौन सा, ये वाला हम जरा सी देर में निकाल देंगे, कोई भी बच्चा बताएगा कितना आएगा, पहले आंकड़े से ही करो बेटा। देखो चतुर्भुज बन गया बेटा, ये क्या बन गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, ये 90 ये 90 180। अब बचा इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 और होगा, तो 180 में ये अकेला 80 है तो निश्चित है ये 100। अगर ये कोण आप पूछता तो आप आंसर दे चुके होते, कौन सा कहते थे बेटा 100। अब वो क्या कह रहा है पी ओ ए, देखो बेटा वो मांग रहा है पी ओ ए, यानी कि बेटा आपको ये कोण मांग रहा है, कौन सा वाला ये, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा, हमसे मांगा ये, तो हमें पता है ये वाला कोण का अर्धक ही तो है, तो पहले पूरा कोण निकाल लो और फिर इसको क्या कर दियो
आप क्या है आधा करके और आंसर क्या बना दोगे, आप आंसर 50 बना दोगे, क्या दे दोगे 50। चलो बेटा सही है, हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन। बेटा सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, चित्र अनुसार, कुछ भी मत लिखो, चित्र अनुसार क्या लिखोगे बेटा, चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन से में बेटा, नाम दे दो बेटा, ए ओ वी और पी में लगा दो बेटा, चारों कोणों का योग कर दो, क्या कोण कितना, पी कह दो प्लस कोण वी और प्लस कोण वो कह दो ओ। अच्छा यहां बेटा दिखाने की आवश्यकता ना है, वैसे तुम चाहो तो दिखा सकते हो, वैसे दिखाने की कोई जरूरत ना है, क्या क्योंकि हमें ये पता है, हम तो जानते हैं क्या ये वाले कोण कैसे होते हैं, 90 अंश के होंगे, दिखाने की कोई आवश्यकता ना है। चलो कोण वैसे लिख लो, इसलिए कोण इसका नाम दो, तो इधर से दे रहा हूं बेटा ए पी वी प्लस उसका अगले का दे दो कोण पी वी ओ प्लस इसका दे दो क्या कोण बी ओ ए प्लस इसका दे दो बेटा कोण पी ए ओ बराबर कितना होगा 360। अब बेटा ये कितना है, अरे ए पी वी ये तो दिया है 80, पी वी ओ यानी कि ये हम जानते हैं 90 हो गया, क्या हम ये पता ना है 90 है, ये हमें ये वाला निकालना है वी ओ, तो इसको ऐसे ही बी ओ ए प्लस ये भी पता है हमें कौन सा वाला, ये 90 हो गया, 90 इक्वल कितना है 360 करोगे बेटा, ये सब मिलकर कितने हो गए, ये दो ये हो गया बी ओ ए और ये सब मिला के 90 90 180 और 180 और बेटा 80 होते हैं 260 260 और इक्वल कितना है 360 उधर ले जाओगे कौन बी ओ ए इक्वल कितना आएगा 360 में से 260 घटा दो बेटा कितना 260 इक्वल कितना आ जाएगा 100। ठीक है लिखेंगे चूंकि क्या है, अरे ओपी ओ पी क्या है बेटा कोण किसका ए ओ बी का क्या है बेटा अर्धक है, क्या है अर्धक है, इसलिए आपसे जो निकलवा रहा है क्या निकलवा रहा है कौन सा पी ओ ए कोण पी ओ ए बराबर होगा इसका आधा कोण ए ओ बी का। अब आपने कोण पी ओ ए इसी प्रकार रखोगे, ये तो आंसर देना, ये आपने अभी निकाला है, ये कितना निकाला है बेटा, ये हमने 100 निकाला है, अरे बी ओ ए या ए ओ बी 100 निकाला है, इसका बटा दो कर दो, ये कितना आ गया 50 अंश, इसलिए ये 50 आ जाएगा, चाहोगे तो ये भी 50 आ जाएगा। सही है चलो बढ़िया बेटा आगे चलते हैं, इधर देखो क्या है, अच्छा सवाल है छठा, कुछ सवाल छोड़ रहा हूं जो सिद्ध करने वाले हैं, वो मैं एक वीडियो में ही रख दूंगा सब, सही है ताकि कि मुझे थोड़ा इस समय न्यूमेरिकल वाले कर लो, सिद्ध करने वालों में तो भाई मुजवान ही करना होता है, उसमें तो आपको कुछ याद रखना है फिर हो जाता है, तो वो मैं एक वीडियो में ही दूंगा। ठीक है चलो खैर कोई बात ना, इधर देखा सातवां सवाल, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितनी है 5 सेमी दूरी पर है, बेटा एक वृत्त होगा निश्चित है, एक वृत्त बना लो एक, ठीक है और इसका एक क्या ले लो केंद्र, यहां से 5 सेमी दूरी चाहे इधर चाहे इधर इससे कोई फर्क ना पड़ता, चलो मैं इधर ले ले रहा, ठीक है ना, यहां से ये ओ है और ये है बेटा पी, ठीक है एक बिंदु ए से, अच्छा ये ए बताया भाई उसने, ए एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है 5 सेमी पर है, कहां पर है 5 सेमी पर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर यहां चलो इसको स्पर्श करा दो, ये हो गई स्पर्श रेखा, ठीक है इसको कह दो बी, चलो कह दिया मैंने बी, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 4 सेमी है, ठीक है तो क्या कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या, अरे बिल्कुल यार बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, जरा सा सवाल है कुछ ना करना, आपको पता है ये मिला लो और ये हो गया 90 अंश, क्या हो गया 90 अंश, बस हो गया, क्या लगाओगे
पाइथागोरस प्रमेय। और बेटा कुछ बालक तो इतने होशियार होते हैं, आप में ऐसे ही होते हैं भाई, जो जितने प्रैक्टिस करता है गणित उतना ही उस पर आता है। ये अभी सुन लो, गणित का दूसरा नाम क्या है, बस बुद्धि पर क्या लगाना है, धार लगानी है, ऐसा समझो। क्या है, जो जितनी प्रैक्टिस करता है। देखो पाइथागोरस प्रमेय मैं तुम देख लो, मैं थोड़ी सी कुछ चीज बता दे रहा हूं, कभी तुम्हारे भी काम आ जाए। थोड़ा सा देखो ये तिरेक बिंदु होते हैं, क्या होते हैं, तिरेक होती हैं, क्या होती हैं, तिरेक। ये समकोण त्रिभुज की तिरेक है, कौन से वाले की, समकोण त्रिभुज की तिरेक। क्या है बेटा, क्या है ये समकोण त्रिभुज की तिरेक, क्या है ये देख तो लो। यदि समकोण त्रिभुज की भुजाएं निश्चित ऐसी होती हैं, कैसे, यदि एक चार तीन है और एक चार है तो एक निश्चित कितनी होगी, पांच, कितनी होगी, पांच। यानी कि किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे तीन का स्क्वायर कितना हो गया, नारे तीन का स्क्वायर कितना हो गया, नौ, चार का स्क्वायर हो गया सोलह, सोलह और नौ कितने होते हैं, पच्चीस, अकेले का स्क्वायर कितना हो गया, पांच का स्क्वायर पच्चीस। ऐसे ही बेटा देखो इसमें क्या है, जैसे हम देख रहे हैं सबसे बड़ी भुजा कितनी है, पांच, और ये चार तो निश्चित ही तीन होगी त्रिक के अनुसार। और देखो और देखते हैं बेटा, इसी प्रकार से होती है छ आठ दस की, छ आठ दस की, क्या छ का स्क्वायर कितना होता है छत्तीस, आठ का कितना होता है चौसठ, चौसठ और छत्तीस होता है सौ, और ये हो गया दस का स्क्वायर। तो यदि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा दस है और एक भुजा छह है तो अगली आप बता सकते हो कितनी होगी, आठ होगी, कितनी होगी, आठ। ऐसे ही बेटा आप लोगों ने और देखा होगा पांच बारह तेरह, पांच बारह तेरह, पांच का स्क्वायर कितना हो रहा है पच्चीस, और कितना हो गया बारह का, बारह बारह का स्क्वायर हो जाएगा एक सौ चौवालीस, एक सौ उनहत्तर हो गया, अकेले का स्क्वायर कितना हो जाता है, कितना, तेरह तेरह में एक सौ उनहत्तर। ऐसे ही बेटा कितने होती है सात चौबीस और पच्चीस, सात चौबीस और पच्चीस, कितना, सात का कितना हो जाता है उनचास, और चौबीस का होता है पांच सौ छिहत्तर, जोड़ोगे छह सौ पच्चीस, और पच्चीस का स्क्वायर हो जाता है छह सौ पच्चीस। आ रही बात तुम्हारी समझ में। और देखो और बहुत सी ऐसी है तिरके जो बना बना के कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये देखो निश्चित है। अब इसमें यानी कि यदि आप हमें ये बता दोगे कि किसी त्रिभुज की ये वाली भुजा 25 और ये 7, तो मैं पता है त्रिक से अगर हमें इसकी त्रिक आती है तो ये बता दूंगा ये 24 होगी, या कोई ये कह रहा है बेटा ये 5 है ये 4 है समकोण त्रिभुज है, तो मैं तुरंत बता दूंगा ये कितनी होगी 3। ऐसे ही बेटा ये 13 है ये 12 है, तो मैं ये बता दूंगा ये कितनी होगी 5। नारी बात तुम्हारी समझ में। इसी प्रकार अन्य भी क्या है त्रिक है, फिलहाल इतने याद रखो, फिर देखते हैं। देखो इस सवाल में क्या होगा, सॉल्यूशन किस प्रकार से करोगे, अरे हमें पता है क्या, यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार, हमने चित्र बना रखा भाई, उसमें समझने का प्रयास करो, ठीक है। चित्रानुसार क्या कहोगे, हम ये बताएंगे कि क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, हम ये जानते हैं कि ये जो BO है या OB है ये लंब होगी निश्चित किस पर, AB पर, है ना, ये वाला, ये वाली जो त्रिज्या है इस पर से रेखा पर लंब होगी, इसलिए फिर जब लंब है तो हमें पता है त्रिभुज ABO में किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस किससे बेटा प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ बेटा। पाइथागोरस प्रमेय में आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग पहले लिख सकते हो और फिर समकोण बनाने वाली भुजाओं को एक तरफ लिख सकते हो, ये तो हमें पता लगता है कि हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, मुझे, मैं तो इधर से स्टार्ट कर दूंगा, क्या OB का स्क्वायर प्लस फिर ये लिखूंगा AB का स्क्वायर इक्वल कितना होगा AO का स्क्वायर, AO का, क्योंकि यही तो कर्ण हो गया। तो अब देखो बेटा OB का स्क्वायर तो इसी प्रकार रहने दो, यहाँ AB दे रखी है चार का स्क्वायर और यहाँ कितना हो गया बेटा पांच का स्क्वायर,
ओ बी का स्क्वायर इसी प्रकार लिखोगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का हो गया 25, ओ बी का स्क्वायर इक्वल 25। ये वैल्यू जब उधर को ले जाओगे, आप सबको पता होगा इधर से उधर ले जाने पर पदों के जो चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है उधर हो जाएगा माइनस। इधर देखेंगे बेटा ओ बी का स्क्वायर है, इसी प्रकार लिखोगे यह 25 में 16 गए कितने बचे बेटा 9, ठीक। यह ओ बी इक्वल वर्ग हटाओ और इधर वर्गमूल लगा दो, हो गया 9। आप सभी को पता होगा 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी कि 9 को लिख सकते हो 3 × 3 या 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो इसका 3 से अभी आ गया। इसका मतलब लिख देंगे अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई बेटा, बराबर आ गई 3 सेमी। समझ रहे हो बेटा, दिक्कत ना हो तुम्हें समझना है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेटा, थोड़ा सा भी कठिन आता है तो ये सातवां सवाल है। देखो कैसे है, क्या है बेटा सातवां सवाल, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी और 3 सेमी। संकेंद्रीय का मतलब है जिनके केंद्र कैसे हैं समान, दो वृत्त खींचो जिनके केंद्र कैसे हैं समान। बेटा एक की त्रिज्या कितनी है, ये ले लिया मैंने किरा, ये हो गया एक वृत्त मैंने खींच लिया 3 सेमी का और एक वृत्त खींचा 5 सेमी त्रिज्या का, ये संकेंद्रीय है। कैसे है ये संकेंद्रीय का मतलब है जिनकी त्रिज्याएं कैसी हो समान हो, सॉरी जिनका केंद्र कैसा है समान, ठीक। अब देखो बेटा छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है बेटा, देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है 5 सेमी और 3 सेमी, छोटा वाला 3 सेमी का, बड़ा वाला 5 सेमी का। चलो मैंने खींच दिया, बड़े वाले वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है स्पर्श। अब समझे बेटा, इसको यहां एक बिंदु बना लो और ये बड़े वाले की क्या हो गई, बड़े वाले की जीवा है और छोटे वाले की क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है। सही बेटा, मैंने इसको देखो इस तरीके से करा, मैंने ये स्पर्श बिंदु को मिलाया, जब भी स्पर्श बिंदु को आप समझ गए होगे ये दोनों तरफ कितना होगा 90 अंश होगा, और 90 अंश होगा तो आ जाओ मतलब की चीज पे, हमारा तो मतलब कौन सा त्रिभुज बनाना है। देखो बेटा मैंने ये बना लिया, ये त्रिभुज ये बना दिया त्रिभुज, ठीक। वो हमसे ए और ये बी पूछ रहा है जीवा की लंबाई, इसको कह दो डी और ये हमारा ओ है, ठीक। आ रही बात समझ में, अब देखो बेटा ये कौन सी है, अरे ये तो मिल गई बेटा आप लोगों का, कौन सी है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, तो ये 3 सेमी हो गई, कितनी हो गई 3, और ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है तो ये कितनी हो गई 5 सेमी, कितनी हो गई 5 सेमी। समझ रहे हो ना, देखो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आ गया होगा, आप लोग कह रहे होगे सर ये 4 होगी, कितने हो गए 4, और हमें पता है ये 4 और ये 4, तो जीवा की लंबाई कितनी हो गई 8, यानी कि आंसर तो आप लोग ऐसे ही दे दोगे, अगर ये चीज ऑप्शन में है तो बेटे यूं लगाना, ठीक है ना। सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, ठीक है, हमें पता है क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी छोटे वृत्त की क्या है बेटा स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, रेखा है, इसलिए आप लोगों को पता पड़ गया कि ओडी लंब है बेटा ए बी पर, ठीक है। तब लिखेंगे, तब कौन से वाले त्रिभुज में कर लो, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज किसमें बेटा, त्रिभुज ओ डी ए में, ये समकोण त्रिभुज है ना, क्या लगाओगे बेटा, अरे मैं तो यही लगाऊंगा ए डी का स्क्वायर प्लस का डी ओ का स्क्वायर इक्वल किसका ए ओ का स्क्वायर, ए डी मुझे निकालनी है, ठीक है, प्लस डी ओ कितने दे रखे बेटा 3 का स्क्वायर, ये आप जान रहे हो ये कितना है बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर इसी प्रकार लिखोगे 3 का हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25, ए डी का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 - 9, ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 - 9 गए 16,
और ए डी से स्क्वायर हटा ए दो वर्गमूल चढ़ा दो लगा दो क्या हो जाएगा ए डी है सही बेटा 16 का कितना हो जाएगा 4 सेमी ये कितने हो गई 4 सेमी आ गई ये 4 सेमी ठीक है लिखेंगे तथा क्या लिखोगे हमें पता है ये वृत्त को केंद्र से लिखेंगे चूंकि ओडी क्या है ओडी जीवा पर जीवा ए बी है ना पर केंद्र से खींचा गया कैसा है बेटा लंब है इसलिए हमें पता है कि AD बराबर होगी DB और दोनों ही बराबर काय के होंगे किस चीज के होंगे 4 सेमी तब ये 4 सेमी हो गई तब लिखेंगे तब क्या लिख दोगे बेटा AB बराबर हो जाएगी AD प्लस के DB अरे इतने प्लस इतना तो AB कितनी हो जाएगी 4 सेमी ये है 4 ये हो गई 8 सेमी और यही क्या आ गया आंसर ठीक है बेटा इस तरीके से आंसर आ गया बेटा कुछ क्वेश्चन बचे हैं इसके सही है ज्यादा क्वेश्चन ना है वो मैं अगले वीडियो में ही दूंगा सही है छोटी छोटी वीडियो देंगे ये ठीक ताकि कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया ठीक है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद फिर से एक बात वही बात करेंगे बार बार एक ही बात रिपीट करते हैं बेटा क्या आप लोग जितना भी वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करा सकें करा दो और जितना भी वीडियो को आप शेयर कर सकें उतना बेटा एक बार करते रहो आप लोग ये सोच लो कि ऐसे समझो ऐसा करने से आप लोग अपने साथियों की काफी मदद कर रहे हैं धन्यवाद फिर मिलते हैं।